इमरान खान वर्सेस नरेंद्र मोदी, कौन है ज्यादा बेहतर और किसे दी जाती है ज्यादा रकम? आखिर दोनों में से ज्यादा अमीर कौन है? और कौन था महाभारत का बर्बरिक जो कि 3 मिनट के अंदर पूरे युद्ध को खत्म कर सकता था, तो आखिर उसने ऐसा क्यों नहीं किया? और चीन के आसमान में दिखा एक उड़ता हुआ शहर, ये उड़ती हुई नगरी की सच्चाई क्या है? और कोलकाता का हावड़ा ब्रिज बिना किसी पिलर के आज तक कैसे खड़ा है? और एक ऐसी बाइक जिसकी मदद से आप पानी के ऊपर चल सकते हो? तो ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये दोनों काफी पॉपुलर शख्सियत हैं। ना सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान की बल्कि बाहर के देशों में भी इन्हें जाना जाता है। और अगर इनके कंपैरिजन की बात की जाए तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर महीने के 2,80,000 दिए जाते हैं और पिछले कुछ वक्त से इनके इनकम को बढ़ाने की बात की जा रही है। इसी के साथ इमरान खान की बात करें तो उनकी मंथली इनकम 1,80,000 है। वहीं नेटवर्थ की बात करें तो इमरान खान की नेटवर्थ 377 करोड़ रुपए बताई जाती है, क्योंकि वो इससे पहले काफी पॉपुलर क्रिकेटर थे और वहीं से इनकी मेन इनकम आई। इसी के साथ इनका छोटा मोटा बिजनेस भी है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्यादा फैसिलिटी दी जाती है इमरान खान के मुकाबले, और पूरी दुनिया में पीएम मोदी को 9वें नंबर पर सबसे ताकतवर आदमी कहा जाता है, और इस लिस्ट में इमरान खान का नाम कहीं नहीं है। नंबर 2, जब भी भारत के सबसे ताकतवर योद्धा की बात आती है तो उसमें नाम लिया जाता है बर्बरिक। बर्बरिक चाहते तो बस 3 मिनट के अंदर पूरे महाभारत के युद्ध को खत्म कर सकते थे, और खुद श्री कृष्ण ने भी ये माना था कि ये पूरे महाभारत के युद्ध को खत्म कर सकते थे, वो भी बस कुछ मिनटों में। और तभी श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि तुम किसकी ओर से लड़ोगे? तब बर्बरिक ने कहा कि मैं उस व्यक्ति की ओर से लड़ूंगा जो हार रहा होगा, यानी कि अगर पांडव हार रहे हैं तो वो पांडव के साइड चला जाएगा, और बीच में अगर पांडव जीतने लगे तो वो कौरवों के साइड चला जाएगा, और अगर ऐसा होता तो युद्ध में कोई नहीं बचता, बस बर्बरिक ही जिंदा रहता। इसीलिए श्री कृष्ण ने एक साधु का भेष लिया और बर्बरिक से उनका सर मांगा, यानी कि उनकी मौत। और बर्बरिक पहले थोड़ा घबराए, लेकिन श्री कृष्ण का विशाल स्वरूप देखकर वो इस बात को मान गए। लेकिन उनकी एक इच्छा थी कि उन्हें पूरा युद्ध देखना है। आखिर में जब उनसे पूछा गया कि सबसे ताकतवर योद्धा कौन था, तब उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण, क्योंकि पूरी लड़ाई में उन्होंने बस श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को घूमते हुए देखा था। नंबर 3, दोस्तों चीन के आसपास में बादल छाए थे, इनसे छनकर सूरज की हल्की हल्की रोशनी जमीन पर पड़ रही थी। मौसम सुहाना था और लोग झील के किनारे मौज मस्ती करने पहुंचे थे। तभी आसमान में कुछ ऐसा दिखा जिसने सभी को हैरान कर दिया। दरअसल आसमान में तैरता हुआ एक शहर नजर आ रहा था। जी हाँ, सुनने में बिल्कुल झूठ लगता है पर ये सच है। पिछले 2 सालों में 2 बार ऐसी घटना चीन में घट चुकी है। इससे पहले यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित कैलिफोर्निया के शहरों में भी आसमान में तैरता शहर देखा जा चुका है। इन आकृतियों को देखने के बाद लोग डर गए थे, और लोगों का कहना है कि हो सकता है ये एलियंस का काम हो, यानी कि ये एलियंस की बस्ती हो। और वहीं पर कुछ लोगों का कहना है कि ये पैरेलल यूनिवर्स से जुड़ा हो सकता है। हालांकि वैज्ञानिकों ने आसमान में एलियन का घर होने वाली बात खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ऐसा ऑप्टिकल इल्यूजन के कारण हुआ होगा। विज्ञान की भाषा में इसे फाटा मोरगाना कहते हैं, लेकिन इसके भी पुख्ता सबूत नहीं है। नंबर 4, ये है कोलकाता का हावड़ा ब्रिज। इसके नीचे एक भी पिलर नहीं है, इसके बावजूद ये ब्रिज बिना हिले डुले बिल्कुल परफेक्ट खड़ा हुआ है। इसे कई दशक हो गए हैं, लेकिन इसमें एक खरोच तक नहीं आई। दरअसल जब इस ब्रिज को बनाया जा रहा था तभी इसमें पिलर लगने वाले थे, लेकिन इसे बनाने वाले इंजीनियर से ये कहा गया कि इसमें पिलर का इस्तेमाल ना किया जाए ताकि इसके अंदर से बड़े जहाज आसानी से जा सके। और इसके बाद सरकार के इस शर्त को मानते हुए इंजीनियर ने अपनी रात दिन एक कर दिया और इतना कमाल का ब्रिज बनाकर तैयार कर दिया जो कि बिना पिलर के काफी मजबूती से खड़ा है। नंबर 5, कई लोग सोचते हैं कि काश वो पानी के ऊपर चल सकते, अगर हमारे पास बोट है तो हम उसमें सवार होकर पानी में सफर कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर मैं आपको कहूं कि पानी के ऊपर साइकिल चलाना कैसा रहेगा तो आप कहोगे कि ये तो पॉसिबल है ही नहीं, पर यकीन मानिए अब ये भी हो सकता है। जरा देखिए इस कमाल की वाटर बाइक को जो कि पानी के ऊपर आराम से चल सकती है। ये पैडल मारने पर चलती है, यानी कि ये बिल्कुल किसी आम साइकिल की तरह है, बस फर्क ये है कि ये पानी में तैरती है। इसका नाम हाइड्रोफॉइल ई बाइक है। इसे न्यूजीलैंड की एक कंपनी ने इसे बनाया है। ये बहुत ज्यादा वजन भी उठा सकती है और पानी में बिल्कुल मक्खन की तरह चलती है। लेकिन उनका कहना है कि इसे पानी में ज्यादा आगे नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि लहर की वजह से अगर बाइक पलट गई तो इसे वापस सही करना काफी जोखिम भरा है। नंबर 6, भारत में कुछ इस तरीके के मोबाइल नेटवर्क टावर होते हैं, ये तो आपने कई बार देखा होगा क्योंकि ये हर सड़क पर दिख जाते हैं और ये भारत की खूबसूरती को काफी ज्यादा बिगाड़ते भी हैं। आपको भी पता होगा कि ये सड़क पर बहुत ज्यादा
अच्छे नहीं लगते, लेकिन वही दुबई जो है वहाँ पर इन टावर को काफी खूबसूरत बनाया जाता है। जैसे कि आप इस वीडियो को देखिए, क्या आपको इसमें पता लग रहा है कि टावर कहाँ पर है? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं, आपको जो पेड़ दिख रहा है ये कुछ और नहीं बल्कि मोबाइल फोन का 5G टावर है। इसे एक नारियल के पेड़ की तरह इसलिए बनाया गया है क्योंकि वो दुबई की टीम के साथ काफी अच्छे से फिट होता है। इसी के साथ ये टावर लगता ही नहीं, जो कि दुबई को काफी मॉडर्न और खूबसूरत दिखाता है। नंबर 7, आपने ये बात कई बार सुनी होगी, जो फेमस फुटबॉलर लियोनेल मेसी है उसके घर के ऊपर से कभी भी प्लेन नहीं उड़ता। इसे सुनने के बाद आपको लगता होगा कि जरूर इसके पीछे मेसी के बड़े नाम होने का कोई हाथ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। मेसी का घर जिस इलाके में है वो एरिया प्राइवेटली रिस्ट्रिक्टेड है। मेसी का घर गावा इलाके में है और इस इलाके में बहुत ज्यादा अमीर लोग रहते हैं, इसीलिए ये एरिया जिनका है वो एक्स्ट्रा रुपीज देकर ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं कि इसके ऊपर से कोई भी प्लेन नहीं उड़ता है। इसीलिए ये बस मेसी के लिए ही नहीं है बल्कि उस एरिया में रहने वाले सभी लोगों के लिए है। और वैसे भी कहते हैं ना कि पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। नंबर 8, आपकी सबसे छोटी फिंगर यानी कि पिंकी फिंगर को देखिए, और अगर वो कुछ ऐसी दिखती है तो उसका मतलब ये है कि आप बहुत ज्यादा फोन को इस्तेमाल करते हो, क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं वो फोन को वहीं से पकड़ते हैं जिसकी वजह से हमारे पिंकी फिंगर में एक छोटा सा डेंट बन जाता है। वैसे तो ये हमारे शरीर को कुछ खास नहीं नुकसान पहुंचाता, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी पर थोड़ा सा इम्पैक्ट तो डलता ही है। एक प्रकार से आपके पिंकी फिंगर में ग्रिप बन जाती है और इसे स्मार्टफोन पिंकी कहा जाता है। और इसके बाद अगर आप ज्यादा वक्त फोन का इस्तेमाल ना करो या फिर फोन को पकड़ने का तरीका बदल दोगे तो हो सकता है कि कुछ महीनों में आपकी उंगली फिर से नॉर्मल हो जाए। और अगर आप काफी वक्त से फोन पिंकी फिंगर पर पकड़ते आ रहे हो तो हो सकता है ये ठीक ना हो।